हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हार्ट इन मेमल के बारे में हम लोग कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ हार्ट इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स करते हुए आ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने हार्ट इन फिश में इलासमो ब्रांच टीलियोस्ट फिश और जो है डिपनोई फिश हार्ट के बारे में जान चुका है एम्फीबिया में हम लोगों ने एपोडा यूरोडेला एन्यूरा हार्ट के बारे में एन्यूरन हार्ट के बारे में जान चुका है और साथ ही हम लोगों ने रेप्टिलियन हार्ट और जो है बर्ड हार्ट के बारे में जान चुका है यह जो है हार्ट इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग जानेंगे हार्ट इन मेमल के बारे में ठीक है यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दे रहा हूँ आप लोग जो है जाकर के इस वीडियो को देखने के बाद सारे जो कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ हार्ट हैं इनको आप जो है देख सकते हैं तो देखिए इसको हम लोग जो है एक एक करके समझते हैं यह मेमल हार्ट जो है कम्प्लीटली फोर चैम्बर होता है लेफ्ट ओरिकल पहला चैम्बर राइट ऑरिकल दूसरा चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल तीसरा और जो है लेफ्ट ये कौन सा पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है ठीक है यहाँ नहीं लिखा गया है लेकिन आप लोग जो है इसको एड कर लेंगे ये लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है ठीक है ये वाला ये वाला पार्ट अब देखिए इसको समझते हैं पलनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ठीक है और लंग्स में प्यूरीफाई हो जाने के बाद वो प्यूरीफाई ब्लड जो है पलनरी वेन्स के माध्यम से ये कहा आते हैं लेफ्ट औरल में आते हैं पल्मोनरी वेंस ये एक ऐसा वेंस है जिसमें प्योर ब्लड बहते हैं नहीं तो बाकी सारे वेंस में जो है इम प्योर ब्लड बहता है ठीक है तो पल्मोनरी वेंस में प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आते हैं और वेना वेनाकावा से मेमल के जो बॉडी पार्ट है उसके ऊपरी हिस्से से इंप्योर ब्लड किस में आता है बच्चों राइट right औरल में आता है और इनप्रियर वेनाकावा से मेमल के बॉडी पार्ट के निचली ओर से ये जो इमप्योर ब्लड है कहाँ आते हैं राइट एरिकल यहाँ पर किसी भी तरह का मिक्सिंग नहीं होता है क्योंकि यहां पर कंप्लीटली इंट्रा ऑरिकुलो सेप्टम पाया जाता है जो ऑरिकल को कम्प्लीटली दो भागों में बांटता है ठीक है अब देखिए ये जो इम्प्योर ब्लड है यहां देखिए ये यह ट्राई कस्बीड वाल्व मतलब इसका तीन दरवाजा है एक दो तीन मतलब यहाँ तीन दरवाजे जैसे संरचना है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा ट्राइकस्पिड वाल्व आप लोग जो है यदि बर्ड का हार्ट देखे हैं तो उसमें यहाँ पर सिंगल कस्पिड वाल पाया जाता है जबकि मेमल में ट्राई कस्पिड वाल्व पाया जा रहे हैं फिर ये इम्प्योर ब्लड कहाँ प्रवेश कर जाते हैं ये आ, राइट वेंट्रिकल में ठीक है ये राइट वेंट्रिकल का पार्ट है ये वाला और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कम्प्लीटली इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम से बटे हुए हैं इसके कारण यहाँ पर किसी प्रकार का मिक्सिंग नहीं हो पाता है और जो है इम्प्योर ब्लड है पलनरी आर्टरी के माध्यम से ये कहा पहुंच जाते हैं बच्चों ये प्योरिफाई होने के लिए शुद्धिकरण के लिए ये लंग्स में चले जाते हैं ठीक है उसके बाद जो लेफ्ट एरोटा है यहाँ पर चूंकि प्योर ब्लड है तो लेफ्ट एरोटा के माध्यम से ये बॉडी के लेफ्ट साइड से पूरे फिर बॉडी पार्ट में फैल जाते हैं यहाँ पर जो बर्ड का हार्ट है और मेमल के हार्ट में बस इतना अंतर है कि इसमें राइट एरोटा एबसेंट होता है यहाँ से एक एरोटा राइट तरफ जाना चाहिए देखिए यहाँ से एक एरोटा राइट तरफ निकल करके जाना चाहिए लेकिन यहाँ Right राइट तरफ नहीं गया है केवल और केवल लेफ्ट एरोटा प्रेजेंट है तो इसमें लेफ्ट एरोटा प्रेजेंट है जबकि राइट एरोटा एबसेंट है जबकि बर्ड में राइट एरोटा प्रेजेंट है लेफ्ट एरोटा एबसेंट है और बर्ड में जो है यहाँ पर आपको सिंगल कस्बेड वाल्व देखने को मिला होगा जबकि uh, यहाँ पर ट्राई कस्बेड वाल्व पाया जाता है ठीक है तो हम लोगों ने क्या जाना आज के वीडियो में जल्दी क्विकली रिविजन कर लेते हैं पलनरी वेन से देखिए देखते जाइए वीडियो को पूरा पलनरी वेन से लंग से प्यूरीफाई मतलब प्योर ब्लड को पलनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकल में लाया जाता है जबकि सुपरियर कावा और इनफेरियर कावा से इम्प्योर ये बॉडी के ऊपरी पार्ट से और ये वेना कावा से बॉडी के निचली पार्ट से राइट ऑरिकल में लाया जाता है अब यहाँ किसी प्रकार का मिक्सिंग नहीं होता है क्योंकि यहाँ कंप्लीटली इंट्रा ऑरिकुलो सेप्टम पाया जाता है अब यह जो इमप्योर ब्लड है यह ट्राइक स्पीड वाल्व से होता हुआ यह लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ आप लोग नाम लिख लेंगे ये वाला पार्ट क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है ठीक है आते हैं और प्योर ब्लड जो है मिट्रल वाल्व से होते हुए यह लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं ये वाल्व ब्लड को अंदर जाने देते हैं और वेंट्रिकल में लेकिन वापस ऑरिकल में जाने नहीं देते हैं ठीक है यहाँ पर वेंट्रिकल चूंकि इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम से बटा हुआ है तो यहाँ पर किसी प्रकार का ब्लड मिक्सिंग नहीं होता है और यह इमप्योर ब्लड जो है पोलोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में प्यूरिफाई शुद्धिकरण करने के लिए चले जाते हैं जबकि लेफ्ट ऑरोटा से प्योर ब्लड बॉडी के विभिन्न पार्ट में बढ़ जाते हैं इसमें राइट एरोटा एब्सेंट है मेमल में जबकि बर्ड में लेफ्ट एरोटा एब्सेंट है और मेवल में ट्राई कस्बिड वाल्व है जबकि बर्ड में सिंगल कस्बिड वाल्व है ठीक है इसको आप जो है स्क्रीन करके इसका एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए ओके यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके आल पे क्लिक कर लेते हैं तो जब भी इस चैनल में कोई भी वीडियो डाला जाएगा आप तक तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा क्योंकि इसी तरह के वीडियो जो इस चैनल में लगातार अपलोड किए जा रहे हैं और बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं ठीक है ओके बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ